बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है मेरी जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है जी अफ़गानी चिकन ग्रेवी कढ़ाई, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अफ़गानी चिकन कढ़ाई में जो अज्जा जाएंगे जी, वो आप नोट कर लें। मेरे पास 1 kg मैंने चिकन लिया हुआ है जिसको मैंने अच्छे से वाश किया हुआ है। 1/2 प्याली मेरे पास हरा धनिया, 1/2 प्याली पुदीना, 1/2 kg मैंने दही लिया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं स्पाइसेस पे मेरे पास 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1/2 teaspoon काली मिर्च का पाउडर, 1/2 teaspoon मेरे पास हल्दी पाउडर, 1 teaspoon चाट मसाला, 1 teaspoon नमक। और ये मेरे पास 3 medium size प्याज थे जिसको मैंने रफली चॉप किया हुआ है। 10 से 12 मेरे पास हरी मिर्ची हैं और मेरे पास कुछ अदरक की स्लाइसेस हैं आप देख सकते हैं। और ये मेरे पास जी लहसुन है। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो गाइस, यहाँ मैंने एक चॉपर लिया है, इसमें हमारा लहसुन और अदरक चला जाएगा। अदरक लहसुन चला गया, अब हमारे प्याज जाएंगे। बड़े अच्छे से हो गया, अब हम एक बॉल लेंगे, सारा इसमें चला गया। अब हमारी कुछ हरी मिर्ची और हरा धनिया चला जाएगा, इनका भी हमने ब्रीक पेस्ट सा बना लेने। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है जी। तो बड़े अच्छे से हमारा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें अच्छा सा दे, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका पेस्ट बन गया। अब ये भी हमारे इस मसाले में जाएगा जो कि मैंने पहले आपको बता चुकी हूँ। प्याज, अदरक और लहसुन अच्छे से करेंगे मिक्स। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी जो कि मैंने आपको बताया है। दही चला गया, अब इसमें हमारे स्पाइसेस जाएंगे। अच्छे से करेंगे मिक्स। ये अफ़गानी चिकन कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। ये दूसरे कौरमों की तरह नहीं है, जैसे हम आम रेगुलर बनाते हैं वाइट कौरमा या जो भी घरों में तैयार करते हैं, इसका टेस्ट बड़ा हटके होगा। आप ज़रूर ट्राई करें। हमारा चिकन जाएगा इसमें जी। तो हमने चिकन को इसमें अच्छे से इसको मैरिनेट करना है। तकरीबन हमने इसको 2 से 3 घंटे अब इसी तरह छोड़ देने। अच्छे से अब हम करेंगे मिक्स। अगर हम इसको ओवरनाइट रख दें तो बड़ा अच्छा है, इसके फ्लेवर निकल के आएंगे। तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। अगर आपने इसको स्पाइसी करना है तो आप इसमें हरी मिर्चें डाल सकते हैं, काली मिर्च का इजाफा कर सकते हैं जी। मुझे थोड़ा नमक कम लगे, मैं 1/2 teaspoon इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, 1/2 teaspoon काली मिर्च का पाउडर। अब अच्छे से करेंगे मिक्स और हम इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। इस टाइम पे हम थोड़ी सी ऊपर क्रीम डाल दूँगी, आप घर की भी जो होती है क्रीम वो भी डाल सकते हैं। इसको मिक्स कर देंगे। कुछ क्रीम जो है वो हम कुकिंग टाइम यूज़ करेंगे। तो काइंडली आपने इसको 2 से 3 घंटे ज़रूर रखना है, बहुत ही अच्छा है। इस तरह आपका ये अफ़गानी कढ़ाई का जो फ्लेवर है वो निकल के आएगा। जी तो ये बड़े अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम इसको रखते हैं जी। तो मिलते हैं आपसे 2 से 3 घंटे तक। चिकन की मैरिनेशन को 2 से 3 घंटे हो गए हैं जी, अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, इसको कुक करते हैं। मैंने ले लिए जी एक पैन, अब इसमें हमारा ऑयल जाएगा। ऑयल चला गया, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला। अब इसको अच्छे से करेंगे गर्म जी। तो पैन हमारा बड़ा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैंने अपने चिकन के पीसीस को ऐसे उठाने और अच्छे से ग्रेवी को झाड़ने, जैसे हम बिल्कुल ग्रेवी बहुत कम जानी चाहिए पैन में। इसी तरह अपनी सारी ग्रेवी को हमने झाड़ के गोश्त से, चिकन से, तो हमने पैन में डालते जाना है। जी तो कम्प्लीटली चला गया, अब हमने इसको ऐसे ही कुक करना है।
चार से पाँच मिनट हो गए थे, हमने इसको ऐसे ही कुक किया है। आप देख सकते हैं नीचे से कितना अच्छा कलर आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू फैल रही है किचन में। अब इसी तरह हमने सारा साइड चेंज कर लेंगे, ज़बरदस्त। जी तो गाइस साइड चेंज हो गई है, कितना प्यारा कलर आ रहा है। अब हम उतनी ही टाइम इस साइड को भी देंगे और इसको कुक करेंगे। ज़्यादा चम्मच आपने नहीं चलाना वरना जो भी हमने सारी कोटिंग की हुई है वो उतर जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त, जी तो बहुत ज़बरदस्त कलर आ गए। तो अगर कोई मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली वो मुझे सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे। चिकन बहुत ज़बरदस्त सा हो गया, अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया एक कढ़ाई, अब इसमें ऑयल जाएगा, ऑयल चला गया, बहुत कम ऑयल, हाफ प्याली के जितना। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें हमारे खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने कुछ इलायची ली हुई है, 5 अदद मैंने इलायची और 5 ही मैंने लौंग ली हुए हैं, कुछ दाने काली मिर्च के हैं और थोड़ी सी दालचीनी। तो ये अब इसमें जाएंगे जी, इनको अब हमने फ्राई करना है। मसाले की खुशबू आ रही है जी, ये हमारा अच्छे से हो गया। जो मसाले हो जाएंगे जी, आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम इसे 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही फ्राई करते हैं जी। तो गाइस मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और चम्मच चलाते रहना है। आपको पता है कि इसमें हमारी क्रीम और दही गया हुआ है तो वो जल ना जाए, इसलिए हमने चम्मच चलाते रहना है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। जी तो ग्रेवी की अच्छे से ढुलाई हो गई है, अब इसमें अपना ऑयल फेंक दिया। इस टाइम पे रूम टेम्परेचर पे थोड़ा सा मिल्क जाएगा जी, मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी रेडी हो रही है। अब हमारा चिकन जाएगा, आप चिकन को देख सकते हैं जो कि पहले ही हाफ डन है, ज़बरदस्त खुशबू। अच्छे से करेंगे मिक्स, जी तो गाइस मैंने इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर दिया है। अब 10 से 15 मिनट ये हल्की दम पे कुक होगी, चेक करते हैं, ज़बरदस्त जी। तो हमारी कढ़ाई रेडी है, ऑलमोस्ट ये रेडी है, अब इसको हम डिश आउट करते हैं जी। तो गाइस आप देख सकते हैं ऑयल इसने छोड़ दिया है, रेडी हो गया। अब इस टाइम पे मैं थोड़ी सी क्रीम ऐड करूँगी और इसे करेंगे डिश आउट, करेंगे मिक्स। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है। तो आपने मुझे बताना है मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी जी। तो गाइस अच्छी फ्लेवर के लिए अब मैं इसे स्मोकी करूँगी, जलता हुआ कोला में रखूँगी, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। एक हाथ में ढकना, ऊपर से ऑयल, 5 से 10 मिनट वेट करते हैं जी। तो गाइस ज़बरदस्त सी अफ़गानी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है, मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। अगर ये मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है तो इसका मुझे फीडबैक दें और मुझे बताएं। तो इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त, दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।